कि पाठक जी के इस निर्णय से मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसमें हो सकता है कि बाधा हो सकती है, ये हमारा कहना। ठीक है, मतलब आपने कहा ना, आपने स्टैंड लिया कि नहीं हमारी पार्टी जो है इसके खिलाफ है, तो हम देखते। आनंद माधव जी, ये मतलब अब बीजेपी कह रही है, सुहेली मेहता जी कह रही है कि मैं पार्टी की तरफ से भी ये बात कह रही हूँ कि नहीं पार्टी इस चीज के साथ तो नहीं होगी कि सेवा समाप्त कर दी जाए, बल्कि वो तो परीक्षा के भी समर्थन में नहीं। वो पहले ही कह दिया अपने फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने कहा कि जैसे ये नई सरकार बनी है ये उन्मूलन प्रक्रिया में लग गई है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस में लग गई है, इन लोगों को निकाला कैसा जाए जोड़ा नहीं जाए, और इसी दिशा में काम कर रही है हर तरफ। आप देखिए वो देखिए, हम लोगों ने इस बात को कहा था, हम लोगों ने पुरजोर ढंग से कहा था, और साथ साथ यह भी कहा था हम लोगों ने कि भाई निकालने की बात तो कभी हुई ही नहीं थी, आप अपग्रेड कीजिए लोगों को, आप ट्रेन कीजिए, आपने कब ऐसा है, आप जो सच्चाई है उनको ओरिएंट कीजिए। एक विकल्प और आया था, और ये अभी भी आज भी हमने बयान चलाया है, और इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अगर आपको लगता है आप विभागीय परीक्षा ले लीजिए या उस सब्जेक्ट की परीक्षा लीजिए और आपको लगता है कि नहीं वाकई वो काबिल नहीं है, तो आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा सकते हैं। एक चर्चा ये भी हुई थी। निश्चित रूप से 22 साल से 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं आप उनको सड़क पे ला दीजिएगा, ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए निकालने की बात तो तुरंत उसको वापस लेना चाहिए, आज अभी वापस लेना चाहिए। और दक्षता परीक्षा जो मुख्यमंत्री ने कही है कि हम दक्षता, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षता परीक्षा लेके उन सब लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उसमें ये देना चाहिए जो बनना चाहिए, जो बनना चाह रहे हैं उसमें वो दे परीक्षा, जो नहीं बनना। डॉक्टर संजय क्या इसका समाधान निकलता है? एलिमिनेट करने की बात आप मत कीजिए। डॉक्टर संजय, हाँ मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, बोलिए। जो आपने प्रावधान किया नियुक्ति का, उस प्रावधान के तहत ही तो शिक्षक बने। अगर कभी नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान आपने रखा नियोजन, तो नियोजन के माध्यम से शिक्षक बने। आज आपने नोडल एजेंसी बनाया बीपीएससी को, तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं। तो अगर कहेंगे कि चूंकि राज्यकर्मी का हम दर्जा दे रहे हैं और इस दक्षता परीक्षा को आप पास नहीं करेंगे तो आपको हम सेवा से मुक्त कर देंगे, मैं नहीं समझता हूं कि शायद ये हाईकोर्ट में मामला टिकेगा या सरकार भी इससे सहमत होगी। जो लोग 15 साल 20 साल 25 साल अपनी सेवा दे चुके निकालने जैसी बात नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज है, दक्षता परीक्षा को लेकर के जो एक सवाल है मन में कि वो सिलेबस जो होगा वो TRE 1 या TRE 2 या जो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट का जो क्वेश्चन का जो सिलेबस है वही होगा। हम समझते हैं कि अगर जब तक दक्षता परीक्षा हो नहीं जाती है, मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता हूं कि बस वही होगा। बिल्कुल, ये कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते रहे ना कि एक IAS अधिकारी जो सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है UPSC की, उनको भी अगर 10 साल बाद कहा जाए कि फिर से IAS की वही परीक्षा पास करिए, तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए, क्योंकि बिल्कुल। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ठीक है, जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से, उसका एक सिलेबस पहले आप पब्लिश कर दीजिए, जारी कर दीजिए कि हाँ एक दक्षता परीक्षा का एक हमने पैमाना रखा है कि इस विषय की आप परीक्षा जो विषय लगातार पढ़ा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल की चीजें, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं सेकेंडरी लेवल की चीजें, और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी का, उसकी एक परीक्षा का ही अगर एक पैमाना है उनको राज्यकर्मी दर्जा देने का, तभी आप मानेंगे कि वो शिक्षक इतने दिन पढ़ाने के बाद भी योग्यता नहीं साबित होंगे अगर वो दक्षता परीक्षा पास नहीं करते। तो ठीक है, एक दक्षता परीक्षा ले लीजिए, एक सिलेबस उनको जारी कर दीजिए और कहिए कि इस परीक्षा से आपको गुजरनी पड़ेगी। 3 या 4 ऑप्शन दे दीजिए, 5 ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन निकालने जैसी बात से तो मैं कतई सहमत नहीं हूं कि कोई शिक्षक जो अपनी सेवा दे चुका, आपके नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रावधान था नियोजन इकाई से वो नियुक्त हुए, स्कूलों में वो काम किए, और आप कह रहे हैं कि चूंकि आप दक्षता परीक्षा 3 बार नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, मैं इसे कहीं से सहमत नहीं हूँ। चौथी एक इम्पोर्टेंट चीज, जो 3 जिलों को लेकर के जो एक सवाल आया है कि भाई आप मान लिया जाए कि किन्हीं की सेवा 1 साल है, तो ऐसा तो नियम है ना कि जो शिक्षक 1 साल 2 साल बच गया है वो अपने गृह जिला में ही रहेंगे। अब वो 3 अलग अलग जिला का कोई अगर व्यक्ति गया का है, उसको आप किशनगंज में आप कहिएगा कि और पूर्णिया और अररिया में कहिएगा कि वहां जाइए, कौन सी उनकी आप सेवा ले पाएंगे?
और कौन सी मेधा वो बच्चों में पैदा कर पाएंगे, वो तो वहां एडजस्ट करने में ही उनका एक साल डेढ़ साल का समय निकल जाएगा। तो मैं हमेशा सवाल उठाते रहता हूँ कि सरकार को व्यवहारिक फैसले लेनी चाहिए और शिक्षकों का भी, जो शिक्षक इतने दिनों तक जिनको आपने शिक्षक बनाया, भाई आपने प्रक्रिया अपनाई और आपने ही उनको शिक्षक माना, अब उसको नियोजित कहिए जो कहिए, लेकिन शिक्षक तो आपने माना, उन शिक्षकों को अब कहिएगा कि नहीं। धीरज जी के पास जी करेंगे तो हम हटा देंगे। धीरज जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा आपको। अगर बीजेपी कह रही है तो शायद, क्या आप इस बात के लिए कंफर्म है कि ये आधिकारिक स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हुआ है फैसला? ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों ने ही ये जारी कर दिया है कि नहीं नहीं हम सेवा समाप्त करा देंगे या कर देंगे? देखिए ऐसा बात नहीं है अभिषेक जी, सुहेली मेहता जी अपनी बातें रख रहे हैं, ये बोली कि एक टीचर होने के नाते हमने कहा। आप समझिए बात, अभी आनंद माधव जी बोले कि नीतीश कुमार जी जो है शिक्षक विरोधी है, और एजिया जी बोल रही हैं कि हम लोग ये दिए वो दिए। अरे एक बात जान लीजिए कि ये लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री थे वही तुगलक थे, रामायण और महाभारत में ग्रंथों पर सवाल उठाने के सिवाय ये क्या करते थे? ये लोग क्यों नहीं कहते हैं बात? केवल हम लोगों पर इल्जाम लगा देना ठीक है, जिस समय हम लोग गठबंधन में थे, अभी दूसरे गठबंधन में हैं, सवाल खड़ा करना बहुत आसान बात है। एक बात ध्यान रखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बात करते हैं, और अगर अगर इस तरह के बात आ भी गई तो देने में क्या दिक्कत है? क्या विभाग क्लियर कर देगा? थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, और कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं जा रही है बिहार सरकार। और एक बात जान लीजिए, यहाँ तो आरजेडी के लोग केवल लेने पे लगे हुए, हम लोगों ने 4 लाख नौकरी दे दिया, केवल क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं। एक बात जान लीजिए, शिक्षक विरोधी नहीं है ये, कांग्रेस वाले देश विरोधी और शिक्षक विरोधी यही लोग हैं जो कि अभी सत्ता से बाहर चले गए। ये लोग हराश और निराश बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है तो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी तो अभियान देंगे। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, और एनडीए पार्ट है, और बड़ी पार्टी है, जो भी बात होगा मिलजुल कर होगा, हम लोग कर रहे हैं। और जान लीजिए कि जब विपक्ष में बीजेपी के लोग थे, बहुत सारी बातें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिल रहे हैं, बातें होगी, अगर आगे का विचार उस पर की करना होगा तो किया जाएगा। ये वापस लीजिए तो जो शिक्षक लोग हैं, ठीक है, मैं बच्चन निषेध के पास यहाँ पर निषेध, ऐसा लग रहा है कि देखिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और बीजेपी भी इस बात पर कायम है कि यहाँ शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल, धीरज जी भी कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा, भविष्य के सवाल है। तो क्या ये शिक्षक आंदोलन ही करने के बाद उतारू है, या फिर ये इंतजार करेंगे कि सरकार अपना फैसला सुनाए? देखिए काम हो रहा है, एक बात जान लीजिए, एक मिनट निषेध के पास हम अपने संवाददाता और जान लीजिए कि जो भी होगा शिक्षक लोगों के हित में, निषेध की आवाज दे, जो भी निषेध की आवाज, शिक्षक है कोई जबरदस्ती सरकार ने नहीं नियोजन किया है, सब टर्म कंडीशन के साथ सभी को सब बात पता थी पहले से, अगर अगर इस पे विचार किया जाता है, अगर आप लोगों को निकाला नहीं जाता है सक्षमता परीक्षा में, अगर फेल होने का निकाला नहीं जाता है, इस पर विचार करके कुछ निर्णय लिया जाता है, तो उसके बावजूद भी क्या आंदोलन करेंगे? सरकार पर बिल्कुल हम लोगों को भरोसा है, और उसी भरोसे के तहत हम लोग आज तक सेवादान कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी इस नियम को विलोपित करती है, और हम शिक्षक तमाम लोग एकदम सरकार के उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार है, और क्यों हम लोग आंदोलन में जाएंगे? आंदोलन में जाना मेरी मजबूरी है, हम अपनी सेवा को बचाने के लिए, हम अपनी सक्षमता को दिखाने के लिए इसमें जा रहे हैं। हमारी सेवा सुरक्षित रहे, हम बच्चों को भय मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर शिक्षा दान करें, हम इसीलिए तो जा रहे हैं। अगर कुछ विचार विमर्श किया जाता है, चूंकि कई राजनीतिक दल कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, जेडीयू के भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि विचार किया जाए, निकाला नहीं जाएगा आप लोगों, तो कुछ इसका रास्ता निकल जाएगा? नहीं, देखिए सवाल ये है निकालने का नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारा लड़ाई लोकतांत्रिक है, कि हम शिक्षक हैं और चयनित शिक्षक हैं, हम काम कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए आप परीक्षा क्यों ला रहे हैं? हम दक्षता और पात्रता उत्तीर्ण हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, फिर हम शिक्षक ही रहेंगे तो मेरे लिए परीक्षा क्यों?
फिर 5 साल के बाद हमारी परीक्षा होगी। परीक्षा लेने से परेशानी है या फिर निकाले जाने से परेशानी है? बात यहाँ है परीक्षा से, आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं उसी पद के लिए? आप मेरी परीक्षा लीजिए, मुझे बीओ बना दीजिए, हमको प्रोफेसर बना दीजिए, हम प्राइमरी के टीचर हैं, हमको 10+2 में ला दीजिए, हम परीक्षा देंगे। लेकिन अगर हम जिस वर्ग में है उसी वर्ग में हम रहेंगे तो फिर हमारी परीक्षा क्यों, ये सवाल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शिक्षकों को परेशान करना चाहते हैं। और इसे एक बार पूछिए कि क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या कि मतलब अगर सरकार पीछे थोड़ा हट रही है तो और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पहले ये लोग कह रहे थे कि सेवा मुक्त करने की बात हो रही है, उससे नाराज हैं। अब उस पर अगर सरकार कह रही है या सरकार में शामिल दल कह रहे हैं कि विचार करेंगे, तो अब कह रहे नहीं हम परीक्षा भी नहीं देंगे। मतलब ये भी क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कदम बढ़कर सरकार की ही गर्दन पर चढ़ जाए? भाई परीक्षा के लिए तो तैयार थे ये लोग, और कुछ नहीं हो जैसे शिक्षक हैं। ये बताइए कि परीक्षा के लिए तो आप लोग तैयार थे, अब सरकार अगर थोड़ा पीछे हटती है, कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश होती है, आप लोगों को अगर नहीं निकाला जाता है तब भी क्या विरोध रहेगा? देखिए निकालना तो असंभव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें सरकार कहे कि हम समझौता कर रहे हैं कि नहीं निकालेंगे, ये तो वही बात हो गई कि जो होना नहीं है उसी को आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। निकालना तो असंवैधानिक है, कहीं संभव ही नहीं है। परीक्षा देंगे या नहीं? परीक्षा देखिए, परीक्षा की बार बार बात है, परीक्षा की देना क्यों है? क्या हमको कोई 20-25% की वेतन वृद्धि मिलेगी? या माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि वेतन दुगना कर देंगे तो दुगना वेतन करने के लिए परीक्षा लेंगे? या प्राइमरी सुविधाएं मिलेंगी? राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं जो राज्यकर्मी को। देखिए राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त चाहिए, ये बहुत हमारा क्लियर स्टैंड है। सभी संघों की संयुक्त बैठक में 4 तारीख को निर्णय हुआ है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। परीक्षा का अगर प्रावधान होता है कि हम प्राइमरी से सीनियर क्लासेस में जाएं या हमारी वेतन बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने वाली है तो उसके लिए हम दे सकते हैं। उसी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास के शिक्षक बने रहने के लिए परीक्षा देने का क्या औचित्य है? कहीं इसका मतलब ये तो निश्चित तो कुछ पूछे ना, फिर नियोजित रहे फिर क्या दिक्कत है? अगर रहना ही है तो नियोजित रहे, ये करना चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा क्यों चाहिए? तो ऐसे तो फिर नियोजित ही ठीक है ना, फिर राज्यकर्मी का दर्जा क्यों चाहिए? क्या मतलब है सरकार जब राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है तो कुछ आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना। सरकार किस तरह का राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है? ना तो नियोजित सारी सुविधाएं मिलेंगी राज्यकर्मी वाली। नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ने के लिए जा रहा है, वेतन उसका वही रहेगा, फिर किस तरह से आप राज्यकर्मी का दर्जा? राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित रहेंगे, तैयार है नियोजित ही रहेंगे राज्यकर्मी की मांग पर? नियोजित रहने के लिए तैयार है? अब नियोजित रहने के लिए तैयार है, हम तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं सरकार से, यही हमारा मांग है, इसके लिए हम लोग लड़ते रहे, ठीक ना? और आगे भी हम लोगों का 13 तारीख को तमाम संघों का जो संयुक्त बैठक हुआ है उसमें निर्णय है कि हम लोगों को सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। मैं एक बार फिर डॉक्टर संजय के पास चलता हूँ, मैं डॉक्टर संजय से एक रिएक्शन लेता हूँ, छोटा रिएक्शन चाहिए डॉक्टर संजय। सिर्फ मुझे इतना बताइए कि क्या ये मतलब, ऐसा तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना, सरकार पीछे हटेगी तो ये और आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये पीछे हटेंगे तो सरकार नकेल कसने लगेगी। भाई आप नियोजित अगर माने गए थे और नियोजित शिक्षक थे, आप राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, कुछ तो सरकार कहेगी ना कि भाई आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो कुछ तो परीक्षा देनी पड़ेगी या कुछ भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पैटर्न कौन सा होगा, हो सकता है उसी सब्जेक्ट की हो, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब तो निकालने वाली बात एक तरफ, परीक्षा ही क्यों दे? तो फिर राज्यकर्मी भी सरकार क्यों दे? आप नियोजित में भर्ती थे, नियोजित रहिए। और बिल्कुल वो सरते थी और सरकार ने तो कहा था कि आपकी का नियोजन इकाई के माध्यम से आपकी बहाली हो रही। कोई शिक्षक 5वीं क्लास में अगर मैथ पढ़ा रहे हैं और वो शिक्षक को कहा जा रहा है कि ठीक है एक दक्षता परीक्षा हम ले लेना चाहते हैं कि आपने एड सब्ट्रैक्ट बच्चों को सिखाया है, जरा हम आपका भी दक्षता देख लेना चाहते हैं कि एड सब्ट्रैक्ट आता है कि नहीं, इसमें कौन सा अपमान हो जाएगा भाई? शिक्षक और छात्र तो हमेशा अपनी दक्षता और क्षमता साबित करते और, रहे हैं। और ये तो हालांकि ठीक है सुहेली जी कह रही हैं, लेकिन ये हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि शिक्षक को तो हर दिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो खुद पढ़ते हैं, हर दिन अपडेट होते हैं तब बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई ईटिंग एंड वोमिटिंग है, बच्चा टीचर पढ़ता है तब जाके क्लास में वोमिट करता है, शिक्षक क्यों भागेंगे भाई? कि हमारी दक्षता पर अगर सरकार को थोड़ा भी डाउट है तो ठीक है हम जो विषय पढ़ाते हैं उसका उसकी परीक्षा ले लीजिए, हमसे जानता शिक्षकों को तो आगे बढ़कर करना चाहिए। नहीं नहीं मुझे लगता है सुहेली जी इससे तो मैं भी सहमत नहीं हूँ कि आप ये कह दीजिए कि अपमान है। भाई देखिए एक बीच का रास्ता है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम रिजिडनेस के साथ चीजें चलेंगी। देखिए हम अपमान सिरे से
अभिषेक जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कई शिक्षकों ने कहा कि मैं एग्जाम तब देने में सही समझता जब आप हमको कुछ प्रमोशन देते। हम भी है ना, हम भी प्रोफेसर हैं, तो हम लोगों को भी समय समय पर एक रिफ्रेशर कोर्स करना होता है। मतलब आपने तो नहीं सुहेली जी ठीक है, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आप खुद सरकार में मौजूद है, आप क्या कह रही है कि नियोजित होने में और राज्यकर्मी होने में कोई फर्क नहीं है? मतलब आप तो फिर नियोजित रहे ना फिर वो। नहीं नहीं बिल्कुल फर्क तो है, निश्चित रूप से फर्क है। एग्जाम लिया जा रहा है एग्जाम, लेकिन इस तरह के फरमान, हाँ ये कहिए ना, वो तो हम लोग भी कह रहे हैं निकालने वाला जो है कि निकाल दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, ये गलत लाइन हो सकती नहीं, है। लेकिन अभिषेक जी जी अभिषेक जी मेरी व्यक्तिगत आपत्ति है इस चीज पर कि बार बार शिक्षकों का परीक्षा लेना, शिक्षकों को समाज के सामने, हम शिक्षक ये परीक्षा उनकी क्वालिटी को लेकर नहीं है, ये राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर है। ये पहले आप समझाइए, ये विवाद मत पैदा करिए आप लोग। ये राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर है, और अगर नहीं देनी है तो फिर नियोजित तो वो है ही। कर्मी को लेकर कई तरह की परीक्षाएं हो सकती है। चलिए ठीक है, कहते हैं जी मैं तो खुद एक शिक्षक हूँ, और अगर इस तरह की नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि तीन परीक्षा में से किसी एक में पास होना होगा, तो हम इस तरह के फरमान को एक शिक्षक भी होने के नाते और हमारी पार्टी में भी जो मीटिंग्स होती है, जो पार्टी की बातें हैं और जो पार्टी ने निर्णय लिया है, जो सरकार से बातें करनी है, उसमें यही चीज़ है कि शिक्षकों का अपमान के इससे इसको जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप एक शिक्षक जो हैं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति में जाने जाते हैं। अब बार बार आप किसी चीज़ का परीक्षा लीजिएगा, हमें जहाँ तक याद है कि कुछ साल पहले दक्षता परीक्षा हुई थी ये नियोजित शिक्षकों की, क्योंकि ये जो बहाली हुई थी सर्टिफिकेट लेने के बाद इन शिक्षकों की बहाली हुई थी, फिर बाद में हुआ कि नहीं इनको आगे बढ़ाना है तो इनकी दक्षता परीक्षा ली जाए, क्योंकि कई तरह के सवाल उठने लगे थे। तो दक्षता परीक्षा भी शिक्षकों ने दी है और वही लगभग ये परीक्षा फिर से ली जा रही है। तो बार बार परीक्षा लेना, सेंटर पर जाकर शिक्षकों का परीक्षा देना, दर्जा देने की बात है, हम भी एक शिक्षक हैं समाज में, नहीं ठीक है राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है, तो आप या तो इस शर्त को रखते नहीं, और नहीं तो फिर आप दर्जा दे दीजिए इसका। और इस चीज की चर्चा हमारी पार्टी में हो रही है, मीटिंग्स भी हुई है, मंत्रिमंडल गठित होता है पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे, क्योंकि हम एजय जी आखिर क्या पक्ष नहीं ले रहे हैं। विवाद क्यों? मुझे लगता है कि आपकी सरकार जब थी, आप गठबंधन में थी, उसी दौरान ये फैसला हुआ। खत्म नहीं हुई है अभिषेक जी, पूरी लाइन हमको बोल लेने दीजिए, एक मिनट एजय जी, मेरी लाइन छूट गई है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप शिक्षकों का बार बार परीक्षा लीजिएगा, हम शिक्षक के पक्ष में सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, हम शिक्षा के पक्ष में बोल रहे हैं। आप जो गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बहुत ही साधारण परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक, आप उनको बार बार इस तरह से कीजिएगा तो उनका मनोबल जो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है ना सुहेली मेहता जी, शिक्षक भी उसका दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने माना था, और तब आपकी सरकार थी, यानी 2022 के पहले ये सरकार ने माना था कि हाँ कुछ शिक्षकों की भर्ती नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस नियोजन में आपने कहा था कि ऐसी संख्या लाखों में है जो गलत तरीके से फर्जी डिग्री के आधार पर भर्ती हुए हैं, वो काबिल नहीं है, ये आपकी सरकार ने माना था। तो फिर आपको कुछ तो पैमाना तय करना होगा ना कि राज्यकर्मी का दर्जा ऐसे ही सबको कर लीजिए ना। अभिषेक जी आप अभी हम स्क्रीन पर खुलेआम बोल रहे हैं, इसमें हम कहीं से कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, मैं शिक्षा के पक्ष में बोल रही हूँ। अगर किसी का सर्टिफिकेट गलत है तो आप उसको धीरे से हटा दीजिए कि भाई ये आपका गलत है, आप उसको चिट्ठी दीजिए, आप उनको कहिए प्रूफ करने के लिए कि आपका सर्टिफिकेट सही है। सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। बताइए आपकी सरकार के समय फैसला हुआ था अभी कि भाई तीन मौके दिए जाएंगे, और उस वक्त भी ये चर्चा थी। हालांकि मैं आश्चर्य हूँ, मैं सुन रहा था आरजेडी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि नहीं हमारे समय ऐसा फैसला नहीं था, जबकि हम लोगों ने उस पर डिबेट किया था कि तब भी ये फैसला था कि तीन बार परीक्षा में पास नहीं हुए तो उनकी सेवा समाप्त होगी। देखिए कात्यायन जी, तेजस्वी जी
बोले थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, और आते ही वो 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। वही है जो राजकर्मी का दर्जा की चर्चा शुरू किए और बोले कि हम 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए हैं। अब सरकार, आप बोल रहे हैं कि तब हुआ था, अगर तब भी हुआ होता तो शिक्षक तेजस्वी जी मान जाते, क्योंकि उनका मूल मकसद है कि बेरोजगारी दूर करना, लोगों को रोजगार देना। अभी मैं शिक्षकों की बात सुन रही थी, बहुत लॉजिकल बात कर रहे थे। जब वो लोग सक्षमता परीक्षा 2 बार दे चुके हैं ऑलरेडी, वो 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो फिर से वो लोग का एग्जामिनेशन ले करके उसकी सक्षमता उसकी योग्यता को तय करना, ये तो गलत है। यानी कि 19 साल पहले से ये पढ़ा रहे थे तब वो योग्य नहीं थे, 19 साल से ये पढ़ाने के काबिल नहीं थे, तो आप किस तरह के विद्यार्थी को निकाल रहे हैं? उस समय भी तो आखिर ये योग्यता के आधार पर ही आए होंगे ना, उस समय भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनके नौकरी के होंगे, क्या उसमें थे कि 3 बार परीक्षा फिर 2 बार देने के बाद देना होगा? तो ये शिक्षकों का जो शोषण शुरू से हो रहा है, और इस बार तो बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है, ये धरना पे नहीं बैठ सकते, धरना हमारा संविधान के स्टैंड लेना था कि नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। पूरी बात कहने दीजिए, आज शिक्षक कह रहे हैं कि हम धरना पे बैठेंगे लोकतांत्रिक तरीका से, तो उसके लिए भी फरमान निकाल दिया है, जो बैठेंगे उनपे कार्रवाई की जाएगी। तो हर तरीके से शिक्षक को बांधा जा रहा है। पहले भी शिक्षकों का ये लोग 19 साल से शोषण कर रहे थे, जनगणना, पशुगणना, वृक्ष गणना में, क्या शिक्षक की यही गरिमा है? वो बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाए इन्हें मतलब नहीं था, और आज भी वो ये तेजस्वी की नौकरी देने की बात करते हैं। एक बार डॉक्टर संजय को बीच में जोड़ता हूँ, फिर पॉलिटिकल रिएक्शन और लूंगा। डॉक्टर संजय वक्त है, ये चर्चा हमने 1 घंटे की रखी है क्योंकि शिक्षकों का बड़ा मसला है ये। डॉक्टर संजय इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों की मांग थी, और जब ये सवाल उठा था कि जब उनका जो नियोजन हुआ था, या आपको याद होगा पंचायत स्तर पर बहालियां हुई थी, तो बहुत सारी बातें हुई थी कि क्वालिटी टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, क्या ये सक्षमता परीक्षा गलत है, और जो ये शर्त लगाई गई है उसको लेकर क्या कहें? अगर नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षकों की बहाली की जा रही थी, तो फिर BPSC को क्यों माना गया कि वो नोडल एजेंसी होगी? और BPSC इसके माध्यम से जिन शिक्षकों को अपॉइंट किया गया, इसीलिए अपॉइंट किया गया था ना कि BPSC के माध्यम से जो फिल्टर होकर के शिक्षक आएंगे वो शिक्षक योग्य होंगे, जो क्वेश्चन पेपर उनके होंगे वो NCERT का हो या SCERT का। और कहा गया कि भाई नियोजन की प्रक्रिया से भी जो शिक्षक आए हैं, तो एक सवाल उस समय भी हुआ था कि एक ही परिसर में 2 तरह के शिक्षक कैसे होंगे? एक वो शिक्षक होंगे जो BPSC से होंगे, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। एक वो शिक्षक होंगे जो नियोजन इकाई से तो आए, लंबी सेवा अवधि उन्होंने दी है शिक्षा के विकास के लिए, छात्रों के निर्माण के लिए, लेकिन उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि राज्यकर्मी जैसी बात जब वो नियोजन के तहत नियुक्त किए जा रहे थे तो नहीं किया गया था। तो सरकार ने एक क्लॉज जोड़ा है कि उसके लिए एक दक्षता परीक्षा ले ली जाए, जो वो विषय पढ़ाते हैं उसी का 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार में जब वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी नियोजित शिक्षक की सेवा अवधि 1 वर्ष बची हुई है जी। अब वो मान लिया जाए कि दक्षता परीक्षा पास नहीं की, तब तो वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सेवा अवधि बस 1 ही साल बची हुई है, वो 3 बार दक्षता परीक्षा से कैसे गुजरेंगे? दूसरी तो मेरी जानकारी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात, मुझे नहीं पता है कि वो जो नियोजन के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए होंगे, जिनकी उम्र अभी 57-58 हो रही होगी, वो शिक्षक इतना फ्रेंडली होंगे कि ताकि वो ऑनलाइन एग्जाम भी वो दे सकते, तो वहां पर भी एक सवाल है। और एक सवाल और है कि अगर आपको लगता है कि ये शिक्षक कि मेधा उस दक्षता परीक्षा के माध्यम से ही माप करके आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, यही एक पैमाना है, और उसके लिए अगर वो सिलेबस की बात कर रहे हैं कि जो विषय हम पढ़ाते हैं उसी विषय की परीक्षा ली जाए, तो सरकार को एक सिलेबस जरूर जारी करनी चाहिए कि इतने लंबे अवधि तक अगर इस विषय को चाहे प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है, तो एक दक्षता परीक्षा एक फॉर्मेलिटी है। संजय, विवाद जो है वो तो उस शर्त पर है ना कि जहाँ सेवा समाप्त करने की बात कही गई, वो तो चलिए ठीक है, वो सक्षमता परीक्षा जो है वो 3 बार के मौका मिलेगा, सेवा समाप्त करने वाले मसले पर ये पूरा विवाद हो गया। इस सेवा समाप्त करने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक इतने दिनों तक निर्माण किए, इतने दिनों तक
आपके राज्य की सेवा की, इतने दिनों तक राष्ट्र निर्माता उनको आप मानते रहे, और एक दक्षता परीक्षा अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर देंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला से कोई सहमत नहीं होगा। एक सामाजिक जीवन में जो रहने वाला भी व्यक्ति और एक शिक्षक हो या राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति, कोई इसे ये नहीं होगा कि इतने लंबे दिनों तक अगर उनकी सेवा आपने ली, उन्होंने अपने सेवा दी, और इस वजह से कि चूंकि वो दक्षता परीक्षा पास नहीं किए इसलिए उनको सेवा से मुक्त कर दीजिएगा, इससे कतई नहीं साबित है। धीरज कुशवाहा जी, धीरज जी, सरकार तो कह रही है, मैं आज सुन रहा था आपकी पार्टी के लोग या बीजेपी के लोग, सब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो सही है, हम तीन मौके दे ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। भले ही सुहेली जी तो अभी शिक्षक होने के नाते कह रही है कि मैं खुद उस विभाग से हूँ या उस जगह से जो काम कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षकों के प्रति हमदर्दी है, आपकी क्या है? देखिए सुहेली मेहता जी बड़ी बहन है, देखिए व्यक्तिगत बातें अलग होती है और सरकार का काम करना एक अलग मुद्दा रहता है। एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो आप देखिए अगर सरकार ने अगर फरमान निकाल दिया तीन मौका दे ही रहा, जब राजकर्मी का दर्जा देने के लिए जब बातें चल रही थी सरकार ने मान लिया तीन मौका दे रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग पॉलिटिकल इस मामले को बना रहे हैं और कुछ है, उसमें से ऐसे लोग हैं कि अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के आंदोलन करना, टीवी पर आना, तो ये आम बातें हो गई हैं। एक बात ध्यान रखिए, एक तो और भी हम बात करना चाहते हैं कि इसके लिए माता पिता भी, जो बच्चे हैं बच्चे के माता पिता, वो भी जिम्मेवार हैं। देखिए जिस स्कूल में पढ़ाई होती है उसमें जाकर माता पिता को भी देखना चाहिए कि बच्चे लोगों को टीचर लोग पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये उन लोग का भी एक जिम्मेवारी बनता है। लोग जितने जागरूक होंगे उतना शिक्षा के प्रति लोग सजग रहेंगे। अब देखिएगा बिना बुलाए लोग समझते हैं कि सरकारी संस्थान है उसमें गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, ये परसेप्शन बन गया है। इसके लिए सभी माता पिता लोगों से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि स्कूलों में जाएं और देखें कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो देख देखिएगा तो किसी गांव में एक ना सवाल ये है कि ये सारा जो गांव के लोग चले आते हैं नाच देखने के लिए, लेकिन ठीक है बच्चे लोग ठीक है, आपने ये फैसला कर लिया, आपने फैसला कर लिया कि हम निकाल देंगे, तीन बार परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो हमको सेवा से मुक्त कर देंगे, ठीक है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए अगर विरोध होनी ही चाहिए। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, हमसे कि आप लोग भी कई बार इस पैनल में चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में जो शिक्षा है थोड़ा और उसमें सुधार नहीं, धीरज जी तो ये तो हम अब भी कह रहे हैं, हम अब भी कह रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, आगे बढ़े। लेकिन ये सवाल हम हमेशा उठाते रहे कि आपको चयन करने के पहले सोचना था, नियोजन करने के समय सोचना था कि आप किस तरीके से, आप पूरी तरह से फिल्टर कर रहे हैं कि नहीं, आप किसको चुन रहे हैं, कितनी काबिलियत है, क्वालिटी टीचर्स हैं या नहीं, तब आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए अब पिछली बातों पर जाएंगे तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। देखिए बहुत दिन से टीचर लोग मांग कर रहे थे, सरकार ने मान लिया, अब तीन मौका दे रहा है तो उस पर तो बैठ कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है देंगे, लेकिन असफल हो गए तो आप उनको निकाल देंगे, असफल होने पर आप निकाल देंगे, ये आपने तय कर। आप देखिए बहुत सारे विभाग हैं कि उसमें परीक्षे होते रहते हैं, प्रमोशन के लिए भी परीक्षा होते हैं, प्रमोशन के लिए होता तो निकाल कहां दिया जाता है, क्यों लोग बना रहे हैं? लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि प्रमोशन नहीं हुआ तो आप निकाल देंगे, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। देखिए जिस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली हो रही थी स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया गया। आनंद माधव जी बताइए इसको लेकर क्या करना है, और 13 तारीख को आंदोलन की बात कही गई उसके बाद कह दिया गया कि FIR हो जाएगी जो भी आंदोलन में जाएगा। देखिए ऐसा है कि जो वर्तमान सरकार है न जाने किस दबाव में, महागठबंधन के दबाव में आके नीतीश जी ने कई अच्छे फैसले तो लिए, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं किस महादबाव में आकर वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि मामूली दक्षता परीक्षा ली जाएगी, तो उस पर सब लोग सहमत थे। कांग्रेस पार्टी ने भी दबाव बनाई थी, राजद ने तो निश्चित रूप से पूरी तरह से दबाव बनाया था, तब जाके ये तय हुआ था कि ठीक है दक्षता परीक्षा ली जाएगी, निकालने जैसी बात कही नहीं थी। दूसरी बात जो एक संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही वो ये कही कि भाई जो 20 वर्षों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं आज जिसकी उम्र जो है 50 से ऊपर की है वो ऑनलाइन में हो सकता
जनता उतने दक्ष ना हो, आप उनको ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो ये जो पूरी सरकार है, ये सरकार शिक्षक विरोधी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये उन्मूलन प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रही है कि किस तरह से इलिमिनेशन प्रोसेस में लोगों को निकालने की प्रक्रिया से, जोड़ने की प्रक्रिया से नहीं, जो हम लोग सब देख रहे हैं। और ये रोजगार देने की बात नहीं, रोजगार छीनने की बात कर रही है जो केंद्रीय। मैं फिर आपको भी ये टोक रहा हूँ और एजिया जी को भी टोका था, इस पर मैं डिबेट कर चुका हूँ, इसलिए इस बात से आप कैसे मुकर रहे हैं कि आपकी सरकार के समय ये फैसला नहीं हुआ था। आपने तब भी ये बात, हाँ मैं एक चीज जरूर कह दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ दक्षता परीक्षा की बात नहीं, नहीं दक्षता नहीं, निकालने की बात थी। और मैं अभी कह रहा हूँ कि हाँ कांग्रेस ने स्टैंड लिया था, मुझे याद है कि डिबेट में कांग्रेस ने कहा था कि नहीं हम सीएम से बात करेंगे, निकालने वाली बात गलत है। लेकिन ये फैसला तभी का है जब निकालने की बात हुई। बिल्कुल, हमारे शकील अहमद खान जी मीटिंग में थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन सरकारों को जितने नियोजित शिक्षक है भाई समान काम के लिए समान वेतन देने की बात थी, तो फिर इनको नियोजित करने की के जितने शिक्षक थे उनको सरकारी जैसे और शिक्षक है उसको किया जाए। दूसरी बात, एक बात और भी देखना होगा महत्वपूर्ण, आज ही देख रहा था कि नालंदा के 21 शिक्षक जो अभी बीपीएससी में बहाली हुए हैं उनको निकाल दिया गया नौकरी से, जबकि बीपीएससी से बहाली हुई है। आप समझिए क्यों निकाला गया, भाई उनका कहना है कि समाज शास्त्र के जो से पास किए हैं उनको अंग्रेजी का शिक्षक बना दिया। दोष किसका है, दोष किसका ये देखना होगा ना। आपने बहाली दे दी उनको, अपॉइंटमेंट लेटर गांधी मैदान खुला के दे दिया, आपने कराई थी ना बहाली, नहीं वही तो कह रहे हैं। इसमें जो है एक जो शिक्षक सिस्टम जो है उसको देखना पड़ेगा ना, कि जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन है, हमारे जो शिक्षा के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं और इस तरह से तुगलकी फरमान बार बार जारी कर दे रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा। पहले आप नहीं बोलेंगे, मतलब आप तत्कालीन शिक्षा मंत्री को नहीं बोलेंगे, अपने अपनी व्यवस्था में सुधार करनी होगी। नहीं, आप शिक्षा मंत्री को नहीं बोलेंगे, आप ही की सरकार थी, आप ही के सहयोगी दल के शिक्षा मंत्री थे, आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया, आपने बीपीएससी के चेयरमैन को कह दिया, मतलब पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं, मंत्री का तो कोई काम ही नहीं। पुराने डिबेट को देखें जिसपे हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है, खास करके कांग्रेस। निषेध के पास एक बार फिर चलते हैं, उसके बाद मैं एजिया जी आपके पास फिर आऊंगा। निषेध जरा पूछिए, क्योंकि यहाँ पर यही सवाल है, हालांकि बीजेपी कह रही है सुहेली जी की बीजेपी में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी इस बात का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन जेडीयू का स्टैंड भी क्लियर लग रहा है, सरकार का स्टैंड क्लियर लग रहा है कि नहीं ये फैसला जो हुआ है वो सोच समझ कर किया गया है, कि तीन बार में आप सफल होइए नहीं तो जाइए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ नियोजित शिक्षक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तीन बार में सफल अगर आप लोग नहीं हो पाते हैं उसके बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा। देखिए ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल स्टेटमेंट है। जो कमिटी बनी, पहले बात तो ये देखना हो कि सरकार की ओर से कमेटी नहीं बनाई गई, शिक्षा विभाग के ही सामान्य प्रशासन के निदेशक ने एक कमेटी बना दी और कमेटी के चेयरमैन स्वयं एसीएस सर बन गए और उन्होंने दो दिन के अंदर अनुशंसा कर दी। किस शिक्षाविद से उन्होंने चर्चा की, कितने शिक्षकों से राय ली उन्होंने, क्या इस देश में आईएएस ही सर्वज्ञ हैं, सबसे बड़े ज्ञाता वही लोग तो नहीं हैं, शिक्षाविद भी हैं, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं, उनसे राय लेनी चाहिए थी कि आखिरकार इनके लिए क्या किया जाए। और वो जो प्रावधान है नियमावली में वो ये है कि जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं उनको हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसलिए है ये प्रावधान, नहीं था कि इनको हम हटा सकते हैं। और आज तो हाई कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि नहीं ये हटाने वाली बात गलत है, हम इस कमेटी की अनुशंसा को नहीं मानते हैं, उस डॉक्यूमेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब ये निश्चय तो पूछे लगे थे नियोजित शिक्षक थे, जब सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि आप नियोजित होंगे तब तो इन लोगों ने उसी पर हामी भरी थी ना, फिर इतना बखेड़ा क्यों किया गया कि नहीं हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। सरकार ने तो उस वक्त भी ये कंफर्म कर दिया था कि आप नियोजित शिक्षक हैं, सरकार ने तो उस वक्त भी कंफर्म कर दिया था ना कि आप लोग नियोजित शिक्षक हैं, तो आखिर इतना बखेड़ा क्यों। देखिए नियोजित हम हैं और राज्यकर्मी के लिए हमारी लड़ाई है, और सरकार जो भी कदम उठाए हमें राजकर्मी बनाने के लिए कदम उठाए, नौकरी से निकालने के लिए कदम उठाने की बात कहां से आ गई। आखिर हमने ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसे हमसे कौन सी बड़ी खता हो गई। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर इतने वर्षों से जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो हम नियोजित शिक्षकों की वजह से आ रहा है। आप देश का रिपोर्ट देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम केरल आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र के बच्चों से बेहतर है, किसकी बदौलत बेहतर है। फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या हो गया। दिक्कत इस बात का है कि सक्षमता परीक्षा का जो जिक्र हो रहा है जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन ही बोला था कि मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, और उसके बाद एक नियमावली लाई गई विशिष्ट शिक्षक नियमावली,
उससे पूरे बिहार के शिक्षकों से, पूरे बिहार के शिक्षाविदों से एक राय ली गई, एक राय ली गई और लाखों लोगों ने उस नियमावली पर राय दिया। उसको कचरा के डिब्बा में फेंक दिया गया और अचानक से एक नियमावली लेके आ गई जिसमें जबरन हस्तांतरण का जिक्र किया जा रहा है, जो आपको जबरन 3 जिला का विकल्प दीजिए और वहाँ जा करके आप अपना योगदान कर लीजिए। जबकि लाखों लोगों ने जो अपना राय दिया था उस राय में स्पष्ट था कि हम लोगों को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक नई नियमावली लाई जिस नियमावली में एक तो TRE 1 TRE 2, अब आप बता दीजिए कि BPSC का सिलेबस है TRE 1 TRE 2, आपने कहा था मामूली परीक्षा, अब आपने TRE 1 TRE 2 का सिलेबस लेके आया। अब इससे बढ़िया है कि आप BPSC से एग्ज़ाम ले लीजिए मेरा, तब फिर BSEB से एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब होता है, मामूली परीक्षा का क्या मतलब होता है। दूसरी बात है कि आप जो 20 साल उनको उनसे आप पूछिए जरा कि भाई वो TRE 1 TRE 2 जो है वो ऐसा तो है नहीं कि वो बाध्यता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए है, वो तो दूसरे लोग भी हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है, इनके लिए तो सक्षमता परीक्षा अलग से भी होगी ना, ये पहले से कैसे तय कर लिया कि TRE 1 TRE 2 या TRE 3 में ही इनको भेजना है, इनके लिए परीक्षा अलग से आयोजित करेगी सरकार। देखिए आपके लिए तो परीक्षा अलग से सरकार आयोजित करेगी ना, TRE 1 TRE 2 में तो और भी देखिए ये क्लियर है कि जो सिलेबस है वह BPSC का सिलेबस है, TRE 1 TRE 2 मात्र जो है संस्था बदल दी गई है, सिलेबस वही है जो BPSC का सिलेबस है। देखिए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी कोई भी हो सकती है, महत्वपूर्ण होता है सिलेबस और पैटर्न, जब सिलेबस और पैटर्न उसी BPSC से होने वाली बहाली का है तो फिर एजेंसी अलग रहने का क्या उचित है, अगर उसी पैटर्न पर उसी सिलेबस से क्वेश्चन सेट होंगे तो फिर BPSC लेके क्या पता है? बात तो बराबर है, इनको अभी कैसे पता चला, क्या इनको कोई जानकारी मिली कि पैटर्न क्या होगा, अभी तक सरकार ने स्पष्ट किया है? ये जो दिशा निर्देश शिक्षा विभाग से जारी हुआ है, सरकार ने तो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं स्पष्ट है, शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है सक्षमता परीक्षा के लिए उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है BPSC द्वारा ली गई TRE 1 और TRE 2 का ही पैटर्न और सिलेबस लागू किया जाए। तो ये तो कहिए कि आप मुख्यमंत्री होकर के 15 अगस्त को भरे गांधी मैदान में घोषणा करते हैं कि मामूली विभागीय परीक्षा होगी और विभाग आपकी घोषणा के विपरीत जाकर के इस तरह की कठिनतम परीक्षा ले रही है, क्या माननीय शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव है वो मुख्यमंत्री से बढ़कर के हैं, क्या मुख्यमंत्री की बात वो नहीं मानते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। ठीक है, मैं एक बार एजिया जी के पास चलता हूँ। एजिया जी बताइए, इनका ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया या परीक्षा के बारे में बताया गया वो कहा गया कि BPSC के पैटर्न पर होगा जैसा कि ये बता रहे हैं, हालांकि सक्षमता परीक्षा ही अभी वो शब्द चल रहा है, अभी ये तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो TRE 1 की तरह होगा, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कहा गया है कि पैटर्न वही होगा। ये फैसला मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे फैसले आपकी सरकार के समय लिए गए, अब इस फैसले को लेकर क्या आपकी पार्टी ने तब ऑब्जेक्शन किया था कुछ? राजकर्मी का भी दर्जा की बात हुई थी, हाँ मैं बता रही हूँ, राजकर्मी के दर्जा की भी बात हुई थी और ये भी हुआ था कि परीक्षा होगा जो पास करेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, ये नहीं हुआ था कि जो उसको पास नहीं करेंगे उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जो डॉक्टर संजय बोल रहे हैं और पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर उस सब्जेक्ट की परीक्षा हो, ना कि BPSC की जो आम परीक्षा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसकी तरह हो, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह की बात सरकार कर रही है कि पैटर्न वही होगा। देखिए जो शिक्षक है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं आज भी आप ही के चैनल पे शायद सुन रही थी और इस पे मैं देखी भी हूँ, तो इसमें BPSC के का पैटर्न जो ये लोग बोल रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे और कोई आसान एग्जाम ये नहीं होने वाला है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक साधारण सा एग्जाम होगा, ये कठिन पेपर होगा, पैटर्न ऐसे होंगे जिससे कि ये वाकिफ नहीं होंगे, और जैसे संजय जी ऑनलाइन की भी चर्चा कर रहे थे, इसमें 90% ऐसे शिक्षक होंगे जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो हर मायने में ये लोग शिक्षकों को बांधने की, शोषण करने की पूरी तैयारी कर रही है, शिक्षक के प्रति कभी भी इनको श्रद्धा और स्नेह नहीं था, और आज भी शिक्षकों के प्रति इनको श्रद्धा और स्नेह नहीं है। लागू ये फैसला आपके समय में हुआ, लेकिन चलिए मान लेते हैं सरकार अब बदल गई, आपको लगता है कि इसलिए सरकार इस पर आगे बढ़ रही है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक तकरीबन बताए जा रहे हैं और अब उसमें से ज्यादा लोग छट जाए, सेवा समाप्त करने का भी फरमान है? बिल्कुल, मैं इसका भी कात्यायन जी
जब तेजस्वी जी बोले थे मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी क्या बोले थे, कहाँ से पैसा ला के ये देगा। अब जब नीतीश कुमार जी सर्वे सर्वा सरकार में आ गए हैं और हम लोग विपक्ष में आ गए हैं, तो अब नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, सबको सेवा मुक्त करने की तैयारी कर। सुहेली जी, अब उनको लग रहा सुहेली जी, क्या 4 लाख लोगों को राज्य कर्मी या जितने भी संख्या है, 4 लाख बताया गया था, पता नहीं कितने लोग TRE 1 TRE 2 में सफल हुए हैं, लेकिन क्या ये जो लाखों की संख्या है इन पर ज्यादा बोझ इनकी वजह से न पड़ जाए सरकार पर, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है कि सेवा मुक्त ही कर देते हैं? नहीं नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है कि हमने कहा थोड़ा सा बढ़ चढ़ के नोटिफिकेशन हो गया है पाठक जी का, होना नहीं चाहिए था ऐसा। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट किया है पूरे देश के लिए। 35% महिलाओं का जो आरक्षण किया हर तरह की नौकरी में, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो ग्रामीण लड़कियों पर पड़ा है, 50% की आबादी पर पड़ा है। अभिषेक जी, हम इसलिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम के पक्ष में नहीं है कि ये एक सांकेतिक रूप से शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि वो गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं, इतनी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज 35% के आरक्षण में 60% लड़कियां ऑफिसर के पद पर, मतलब आप एग्जाम के ही पक्ष में नहीं है, आपको लगता है कि राज्य सभी जगह उठाकर ऐसे ही दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, चाहे एग्जाम बिल्कुल नहीं चाहे। अच्छा 20 साल इन्हीं शिक्षकों के बल बदौलत में ये लोग पढ़ के आए हैं, ऐसी क्या क्षमता हो गई शिक्षक में की सच्चाई को एग्जाम देना पड़ रहा है? सच्चाई तो है सुहेली जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि बिहार में सिस्टम बहुत अच्छा है, क्वालिटी लिया जा रहा है, लेकिन हम गारंटी के साथ, अभिषेक जी कोई प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ वही प्रश्न उठाते हैं जो सरकारी शिक्षक सरकारी कॉलेज में न पढ़ाते हैं स्कूल में, और न पढ़वाते हैं और न अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ये वही ये प्रश्न उठाते हैं, इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं है बिल्कुल। पाठक जी ने बढ़ चढ़ कर नोटिफिकेशन दे दिया है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी टीचर को शिक्षक पद से हटाया नहीं जाएगा। हाँ हम एग्जाम के पक्ष में उस समय जरूर हैं जब आप 1-5 के टीचर को अगर आप +2 के लिए एग्जाम लेना है तो ठीक है आप लीजिए, अगर वो +2 के लायक है तो वो जाएंगे उधर। ये तो आपने सरकार में आपने विवाद की स्थिति, सुहेली जी आपने सरकार में एक विवाद की स्थिति पैदा कर दी, आपने तो उस एग्जाम पर ही सवाल उठा दिया ना, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कह चुके हैं। के पाठक ने क्या नोटिफिकेशन दिया, छोड़िए मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया है कि सक्षमता परीक्षा नहीं होगी अगर राज्य कर्मी बनना है, मैं मुख्यमंत्री जी की कायल हूँ इस मामले में। अभिषेक जी मैं नीतीश कुमार जी की कायल हूँ कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जैसे जैसे निर्णय लिए हैं, ठीक है, शिक्षा महत्वपूर्ण है। आनंद जी के पास चलता हूँ, आनंद माधव जी के पास। आनंद जी ये मुझे लगता है कि क्या असहज स्थिति हो जाएगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं आ रहा हूँ ना सुहेली जी, फिर आ रहा हूँ ना, छोटा छोटा रिएक्शन देंगे तो और सवाल ले पाएंगे ना आपके पास। नहीं, पाठक जी के इस निर्णय से मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसमें हो सकता है कि बाधा हो सकती है, ये हमारा कहना, ठीक है। मतलब आपने कहा ना, आपने स्टैंड लिया कि नहीं हमारी पार्टी जो है इसके खिलाफ है, तो हम देखते। आनंद माधव जी ये मतलब अब बीजेपी कह रही है, सुहेली मेहता जी कह रही है कि मैं पार्टी की तरफ से भी ये बात कह रही हूँ कि नहीं पार्टी इस चीज के साथ तो नहीं होगी कि सेवा समाप्त कर दी जाए, बल्कि वो तो परीक्षा के भी समर्थन में नहीं। बहुत पहले ही कह दिया अपने फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने कहा कि जैसे ये नई सरकार बनी है ये उन्मूलन प्रक्रिया में लग गई है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस में लग गई है, इन लोगों को निकाला कैसा जाए जोड़ा नहीं जाए, और इसी दिशा में काम कर रही है हर तरफ। आप देखिए वो देखिए, हम लोगों ने इस बात को कहा था, हम लोगों ने पुरजोर ढंग से कहा था, और साथ साथ यह भी कहा था हम लोगों ने कि भाई निकालने की बात तो कभी हुई ही नहीं थी, अब अपग्रेड कीजिए लोगों को, आप ट्रेन कीजिए, आपने कब ऐसा है, आप जो सच्चाई है उनको ओरिएंट कीजिए। एक विकल्प और आया था, और ये अभी भी आज भी हमने बयान चलाया है, और इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अगर आपको लगता है आप विभागीय परीक्षा ले लीजिए या उस सब्जेक्ट की परीक्षा लीजिए और आपको लगता है कि नहीं वाकई वो काबिल नहीं है, तो आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा सकते हैं, एक चर्चा ये भी हुई थी। निश्चित रूप से 22 साल से 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं आप उनको सड़क पे ला दीजिएगा, ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए निकालने की बात तो तुरंत उसको वापस लेना चाहिए, आज के आज अभी के अभी वापस लेना चाहिए। और दक्षता परीक्षा जो मुख्यमंत्री ने कही है कि हम दक्षता, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षता परीक्षा लेके उन सब लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, उसमें ये देना चाहिए जो बनना चाहिए, जो बनना चाह रहे हैं उसमें वो दे परीक्षा, जो नहीं बनना। डॉक्टर संजय क्या इसका समाधान निकलता है? एलिमिनेट करने की बात आप मत कीजिए।
डॉक्टर संजय हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी हाँ बोलिए। जो आपने प्रावधान किया नियुक्ति का, उस प्रावधान के तहत ही तो शिक्षक बने। अगर कभी नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान आपने रखा नियोजन, तो नियोजन के माध्यम से शिक्षक बने। आज आपने नोडल एजेंसी बनाया बीपीएससी को, तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं। तो अगर कहेंगे कि चूंकि राज्य कर्मी का हम दर्जा दे रहे हैं और इस दक्षता परीक्षा को आप पास नहीं करेंगे तो आपको हम सेवा से मुक्त कर देंगे, मैं नहीं समझता हूं कि शायद ये हाईकोर्ट में मामला टिकेगा या सरकार भी इससे सहमत होगी। जो लोग 15 साल 20 साल 25 साल अपनी सेवा दे चुके हैं, निकालने जैसी बात नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज है, दक्षता परीक्षा को लेकर के जो एक सवाल है मन में कि वो सिलेबस जो होगा वो TRE 1 या TRE 2 या जो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट का जो क्वेश्चन का जो सिलेबस है वही होगा। हम समझते हैं कि अगर जब तक दक्षता परीक्षा हो नहीं जाती है, मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता हूं कि बस वही होगा। बिल्कुल, ये कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते रहे ना कि एक IAS अधिकारी जो सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है UPSC की, उनको भी अगर 10 साल बाद कहा जाए कि फिर से IAS की वही परीक्षा पास करिए तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए, क्योंकि मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ठीक है, जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं 5 साल से 10 साल से 15 से 20 साल से उसका एक सिलेबस पहले आप पब्लिश कर दीजिए, जारी कर दीजिए कि हाँ एक दक्षता परीक्षा का एक हमने पैमाना रखा है कि इस विषय की आप परीक्षा जो विषय लगातार पढ़ा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल की चीजें, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं सेकेंडरी लेवल की चीजें, और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी का, उसकी एक परीक्षा का ही अगर एक पैमाना है उनको राज्य कर्मी दर्जा देने का, तभी आप मानेंगे कि वो शिक्षक इतने दिन पढ़ाने के बाद भी योग्यता नहीं साबित होंगे अगर वो दक्षता परीक्षा पास नहीं करते। तो ठीक है, एक दक्षता परीक्षा ले लीजिए, एक सिलेबस उनको जारी कर दीजिए और कहिए कि इस परीक्षा से आपको गुजरनी पड़ेगी। 3 या 4 ऑप्शन दे दीजिए, 5 ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन निकालने जैसी बात से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई शिक्षक जो अपनी सेवा दे चुका, आपके नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रावधान था नियोजन इकाई से वो नियुक्त हुए स्कूलों में वो काम किए, और अब आप कह रहे हैं कि चूंकि आप दक्षता परीक्षा 3 बार, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि बिहार में शिक्षा सिस्टम बहुत अच्छा है, क्वालिटी लिया जा रहा है, लेकिन हम गारंटी के साथ, अभिषेक जी कोई प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ वही प्रश्न उठाते हैं जो सरकारी शिक्षक सरकारी कॉलेज में न पढ़ाते हैं स्कूल में और न पढ़वाते हैं और न अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ये वही ये प्रश्न उठाते हैं, इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं है बिल्कुल। पाठक जी ने बढ़ चढ़ कर नोटिफिकेशन दे दिया है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी टीचर को शिक्षक पद से हटाया नहीं जाएगा। हाँ, हम एग्जाम के पक्ष में उस समय जरूर हैं जब आप 1-5 के टीचर को अगर आप +2 के लिए एग्जाम लेना है तो ठीक है आप लीजिए, अगर वो +2 के लायक है तो वो जाएंगे उधर। ये तो आपने सरकार में आपने विवाद की, नहीं नहीं सुहेली जी, आपने सरकार में एक विवाद की स्थिति पैदा कर दी। आपने तो उस एग्जाम पर ही सवाल उठा दिया ना, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कह चुके हैं, के पाठक ने क्या नोटिफिकेशन दिया, छोड़िए, मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया है कि सक्षमता परीक्षा नहीं होगी अगर राज्य कर्मी बन रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी की कायल हूँ इस मामले में अभिषेक जी, मैं नीतीश कुमार जी की कायल हूँ कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जैसे जैसे निर्णय लिए हैं, शिक्षा महत्वपूर्ण है। आनंद जी के पास चलता हूँ, आनंद माधव जी के पास, आनंद जी तो ये मुझे लगता है कि क्या असहज स्थिति हो जाएगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं आ रहा हूँ ना सुहेली जी, फिर आ रहा हूँ ना, छोटा छोटा रिएक्शन देंगे तो और सवाल ले पाएंगे ना आपके पास। नहीं, पाठक जी के इस निर्णय से मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसमें हो सकता है कि बाधा हो सकती है, ये हमारा कहना। ठीक है, मतलब आपने कहा ना, आपने स्टैंड लिया कि नहीं हमारी पार्टी जो है इसके खिलाफ है, तो हम देखते। आनंद माधव जी ये मतलब अब BJP कह रही है, सुहेली मेहता जी कह रही है कि मैं पार्टी की तरफ से भी ये बात कह रही हूँ कि नहीं पार्टी इस चीज के साथ तो नहीं होगी कि सेवा समाप्त कर दी जाए, बल्कि वो तो परीक्षा के भी समर्थन में नहीं। वो पहले ही कह दिया अपने फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने कहा कि जैसे ये नई सरकार बनी है ये उन्मूलन प्रक्रिया में लग गई है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस में लग गई है, इन लोगों को निकाला कैसा जाए जोड़ा नहीं जाए, और इसी दिशा में काम कर रही है हर तरफ। आप देखिए वो देखिए, हम लोगों ने इस बात को कहा था, हम लोगों ने पुरजोर ढंग से कहा था, और साथ साथ यह भी कहा था हम लोगों ने कि भाई निकालने की बात तो कभी हुई ही नहीं थी, आप अपग्रेड कीजिए लोगों को, आप ट्रेन कीजिए, आपने कब ऐसा आप जो सच्चाई है उनको ओरिएंट कीजिए। एक विकल्प और आया था, और ये अभी भी आज भी हमने बयान चलाया है और इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं
कि अगर आपको लगता है आप विभागीय परीक्षा ले लीजिए या उस सब्जेक्ट की परीक्षा लीजिए और आपको लगता है कि नहीं वाकई वो काबिल नहीं है तो आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा सकते हैं। एक चर्चा ये भी हुई थी। निश्चित रूप से 22 साल से 20 साल से जब लोग नौकरी कर रहे हैं आप उनको सड़क पे ला दीजिएगा, ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए निकालने की बात तो तुरंत उसको वापस लेना चाहिए, आज के आज अभी के अभी वापस लेना चाहिए। और दक्षता परीक्षा जो मुख्यमंत्री ने कही है कि हम दक्षता, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षता परीक्षा लेके उस सब लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, उसमें ये देना चाहिए जो बनना चाहिए, जो बनना चाह रहे हैं उसमें वो दे, परीक्षा जो नहीं बनना। डॉक्टर संजय क्या इसका समाधान निकलता है? एलिमिनेट करने की बात आप मत कीजिए। डॉक्टर संजय कि हाँ मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, हाँ, जो आपने प्रावधान किया नियुक्ति का उस प्रावधान के तहत ही तो शिक्षक बने। अगर कभी नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान आपने रखा नियोजन, तो नियोजन के माध्यम से शिक्षक बने। आज आपने नोडल एजेंसी बनाया बीपीएससी को, तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं। तो अगर कहेंगे कि चूंकि राज्य कर्मी का हम दर्जा दे रहे हैं और इस दक्षता परीक्षा को आप पास नहीं करेंगे तो आपको हम सेवा से मुक्त कर देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि शायद ये हाईकोर्ट में मामला टिकेगा या सरकार भी इससे सहमत हो। जो लोग 15 साल 20 साल 25 साल अपनी सेवा दे चुके हैं, निकालने जैसी बात नहीं हो। हाँ, लेकिन एक चीज है, दक्षता परीक्षा को लेकर के जो एक सवाल है मन में कि वो सिलेबस जो होगा वो TRE 1 या TRE 2 या जो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट का जो क्वेश्चन का जो सिलेबस है वही होगा। हम समझते हैं कि अगर जब तक दक्षता परीक्षा हो नहीं जाती है, मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता हूं कि बस वही होगा। बिल्कुल, ये कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते रहे ना कि एक IAS अधिकारी जो सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है UPSC की, उनको भी अगर 10 साल बाद कहा जाए कि फिर से IAS की वही परीक्षा पास करिए तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए, क्योंकि बिल्कुल। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ठीक है, जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं 5 साल से 10 साल से 15 से 20 साल से उसका एक सिलेबस पहले आप पब्लिश कर दीजिए, जारी कर दीजिए कि हाँ एक दक्षता परीक्षा का एक हमने पैमाना रखा है कि इस विषय की आप परीक्षा जो विषय लगातार पढ़ा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल की चीज़ें, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं सेकेंडरी लेवल की चीज़ें, और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी का, उसकी एक परीक्षा का ही अगर एक पैमाना है उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने का, तभी आप मानेंगे कि वो शिक्षक इतने दिन पढ़ाने के बाद भी योग्यता नहीं साबित होंगे अगर वो दक्षता परीक्षा पास नहीं करते। तो ठीक है, दक्षता परीक्षा ले लीजिए, एक सिलेबस उनको जारी कर दीजिए और कहिए कि इस परीक्षा से आपको गुजरनी पड़ेगी। 3 या 4 ऑप्शन दे दीजिए, 5 ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन निकालने जैसी बात से तो मैं कतई सहमत नहीं हूं कि कोई शिक्षक जो अपनी सेवा दे चुका, आपके नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रावधान था नियोजन इकाई से वो नियुक्त हुए, स्कूलों में वो काम किए, और आप कह रहे हैं कि चूंकि आप दक्षता परीक्षा 3 बार नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, मैं इसे कहीं से सहमत नहीं हूँ। चौथी एक इम्पोर्टेंट चीज जो 3 जिलों को लेकर के जो एक सवाल आया कि भाई आप मान लिया जाएगा कि नहीं कि सेवा 1 साल है, तो ऐसा तो नियम है ना कि जो शिक्षक 1 साल 2 साल बच गया है वो अपने गृह जिला में ही रहेंगे। अब वो 3 अलग अलग जिला का कोई अगर व्यक्ति गया का है उसको आप किशनगंज में आप कहिएगा कि और पूर्णिया और अररिया में कहिएगा कि वहां जाइए, कौन सी उनकी आप सेवा ले पाएंगे और कौन सी मेधा वो बच्चों में पैदा कर पाएंगे, वो तो वहां एडजस्ट करने में ही उनका 1 साल 1.5 साल का समय निकल जाएगा। तो मैं हमेशा सवाल उठाते रहता हूँ कि सरकार को व्यवहारिक फैसले लेने चाहिए और शिक्षकों का भी, जो शिक्षक इतने दिनों तक जिनको आपने शिक्षक बनाया, भाई आपने प्रक्रिया अपनाई और आपने ही उनको शिक्षक माना, अब उसको नियोजित कहिए जो कहिए लेकिन शिक्षक तो आपने माना, उन शिक्षकों को अब कहिएगा कि नहीं। धीरज जी के पास जी नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे। धीरज जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा आपको। अगर बीजेपी कह रही है तो शायद, क्या आप इस बात के लिए कंफर्म है कि ये आधिकारिक स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हुआ है फैसला? ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों ने ही ये जारी कर दिया है कि नहीं नहीं हम सेवा समाप्त करा देंगे या कर देंगे? देखिए, ऐसा बात नहीं है अभिषेक जी। सुहेली मेहता जी अपनी बातें रख रहे हैं, ये बोली कि एक टीचर होने के नाते हमने कहा। आप समझिए बात, अभी आनंद माधव जी बोले कि नीतीश कुमार जी जो है शिक्षक विरोधी है, और एजिया जी बोल रही हैं कि
हम लोग ये दिए वो दिए। अरे एक बात जान लीजिए कि ये लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री थे वही तुगलक थे, रामायण और महाभारत में ग्रंथों पर सवाल उठाने के सिवाय ये क्या करते थे? ये लोग क्यों नहीं कहते हैं बात? केवल हम लोगों पर इल्जाम लगा देना ठीक है, जिस समय हम लोग गठबंधन में थे अभी दूसरे गठबंधन में है, सवाल खड़ा करना बहुत आसान बात है। एक बात ध्यान रखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बात करते हैं और अगर अगर इस तरह के बात आ भी गई तो देने में क्या दिक्कत है? क्या विभाग क्लियर कर देगा? थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है और कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं जा रही है बिहार सरकार। ऐसा है इस तरह की कोई बात ही नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो होगा और सब स्मूथली होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए, यहाँ तो आरजेडी के लोग केवल लेने पे लगे हुए हैं, हम लोगों ने 4 लाख नौकरी दे दिया, केवल क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं। एक बात जान लीजिए, तो शिक्षक विरोधी नहीं है ये, कांग्रेस वाले देश विरोधी और शिक्षक विरोधी यही लोग हैं जो कि अभी सत्ता से बाहर चले गए। ये लोग हराश और निराश बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है तो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी तो अभियान देंगे। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और एनडीए के पार्ट है और बीजेपी बड़ी पार्टी है, जो भी बात होगा मिलजुल कर होगा, हम लोग कर रहे हैं। और जान लीजिए कि जब विपक्ष में बीजेपी के लोग थे, बहुत सारी बातें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिल रहे हैं, बातें होगी, अगर आगे का विचार उस पर की करना होगा तो किया जाएगा। ये वापस लीजिए, वापस लीजिए तुगलक के फरमान वापस लीजिए। शिक्षक लोग हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर निषेध के पास जाऊं। निषेध यहां पर निषेध ऐसा लग रहा है कि देखिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और बीजेपी भी इस बात पर कायम है कि यहां शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल, धीरज जी भी कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा। भविष्य के सवाल है तो क्या ये शिक्षक आंदोलन ही करने के बाद उतारू है या फिर ये इंतजार करेंगे कि सरकार अपना फैसला सुनाए? देखिए काम हो रहा है, एक बात जान लीजिए। हाँ, एक मिनट, निषेध के बाद हम अपने संवाददाता और जान लीजिए कि जो भी होगा शिक्षक लोगों के हित में ही होगा। जो भी निषेध की आवाज, शिक्षक है कोई जबरदस्ती सरकार ने नहीं नियोजन किया है, सब टर्म कंडीशन के साथ सभी को सब बात पता थी पहले से। अगर अगर इस पे विचार किया जाता है, अगर आप लोगों को निकाला नहीं जाता है, सक्षमता परीक्षा में अगर फेल होने का निकाला नहीं जाता है, इस पर विचार करके कुछ निर्णय लिया जाता है तो उसके बावजूद भी क्या आंदोलन करेंगे? सरकार पर बिल्कुल हम लोगों को भरोसा है और उसी भरोसे के तहत हम लोग आज तक सेवादान कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी इस नियम को विलोपित करती है और हम शिक्षक तमाम लोग एकदम सरकार के उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार है और क्यों हम लोग आंदोलन में जाएंगे? आंदोलन में जाना मेरी मजबूरी है, हम अपनी सेवा को बचाने के लिए, हम अपनी सक्षमता को दिखाने के लिए इसमें जा रहे हैं। हमारी सेवा सुरक्षित रहे, हम बच्चों को भय मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर शिक्षा दान करें, हम इसीलिए तो जा रहे हैं। अगर कुछ विचार विमर्श किया जाता है, चूंकि कई राजनीतिक दल कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, जेडीयू के भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि विचार किया जाए, निकाला नहीं जाएगा आप लोगों, तो कुछ इसका रास्ता निकल जाएगा? देखिए सवाल ये है निकालने का नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारा लड़ाई लोकतांत्रिक है, कि हम शिक्षक हैं और चयनित शिक्षक हैं, हम काम कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए आप परीक्षा क्यों ला रहे हैं? हम दक्षता और पात्रता उत्तीर्ण हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, फिर हम शिक्षक ही रहेंगे तो मेरे लिए परीक्षा क्यों? फिर 5 साल के बाद मेरी हमारी परीक्षा होगी। परीक्षा लेने से परेशानी है या फिर निकाले जाने से परेशानी है? बात यहाँ है परीक्षा से, आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं उसी पद के लिए? आप मेरी परीक्षा लीजिए, मुझे बीओ बना दीजिए, हमको प्रोफेसर बना दीजिए, हम प्राइमरी के टीचर हैं, हमको 10+2 में ला दीजिए, हम परीक्षा देंगे। लेकिन अगर हम जिस वर्ग में है उसी वर्ग में हम रहेंगे तो फिर हमारी परीक्षा क्यों, ये सवाल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शिक्षकों को परेशान करना चाहते हैं। और इसे एक बार शिक्षकों में भी कुछ कंफ्यूजन है कि मतलब अगर सरकार पीछे थोड़ा हट रही है तो और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पहले ये लोग कह रहे थे कि सेवा मुक्त करने की बात हो रही है, उससे नाराज है, अब उस पर अगर सरकार कह रही है या सरकार में शामिल दल कह रहे हैं कि विचार करेंगे तो आप कह रहे नहीं हम परीक्षा भी नहीं देंगे, मतलब ये भी क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कदम बढ़कर सरकार की ही गर्दन पर चढ़ जाए? भाई परीक्षा के लिए तो तैयार थे ये लोग। और कुछ नियोजित शिक्षक है, ये बताइए कि परीक्षा के लिए तो आप लोग तैयार थे, अब सरकार अगर थोड़ा पीछे हटती है, कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश होती है, आप लोगों को अगर नहीं निकाला जाता है तब भी क्या विरोध रहेगा? देखिए निकालना तो असंभव है,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें सरकार कहे कि हम समझौता कर रहे हैं कि नहीं निकालेंगे, ये तो वही बात हो गई कि जो होना नहीं है उसी को आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। निकालना तो असंवैधानिक है, कहीं संभव ही नहीं है। परीक्षा देंगे परीक्षा, देखिए परीक्षा की बार बार बात, परीक्षा की देना क्यों है? क्या हमको कोई 20-25% की वेतन वृद्धि मिलेगी? या माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि वेतन दुगना कर देंगे तो दुगना वेतन करने के लिए परीक्षा लेंगे? या प्राइमरी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं जो राज्यकर्मी को। देखिए राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त चाहिए, ये बहुत हमारा क्लियर स्टैंड है। सभी संघों की संयुक्त बैठक में 4 तारीख को निर्णय हुआ है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए। परीक्षा का अगर प्रावधान होता है कि हम प्राइमरी से सीनियर क्लासेस में जाएं या हमारी वेतन बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने वाली है तो उसके लिए हम दे सकते हैं। उसी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास के शिक्षक बने रहने के लिए परीक्षा देने का क्या औचित्य है? कहीं तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से पूरे डिबेट के बारे में सुना, इसका एक ही मुद्दा है कि बिना परीक्षा और बिना किसी सेवा शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाए और मिलके भी रहेगा। दोस्तों मिलके रहेगा, बस धैर्य बना के रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।